नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लूइड से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेके आया आपके लिए अगेन अ टॉपिक फ्रॉम द फ्लूइड मशीनरी। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट ऑन अ मूविंग इंक्लाइंड प्लेट। पर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये आपसे बहुत बड़ी ऐसी रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड चेक मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसी एजुकेशन वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास है हमारा जेट। ठीक है, अब जेट देखिए, फ्लूइड जब तक आपकी पाइपलाइन के अंदर रहेगा तो यहां पर जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा ही होगा। और आप देख रहे हैं कि इसका डाया ज्यादा है, डाया ज्यादा होने की वजह से आपकी वेलोसिटी यहां पर कम होगी। मगर जैसे ही नोजल लग जाता है तो ये यहां पर जो फ्लूइड है यानी कि जो जेट है या फिर बोल सकते हैं पानी आने वाला है अगर इस जेट के थ्रू, ठीक है, इस पाइपलाइन के थ्रू अगर पानी निकलता है, जेट ऑफ फ्लूइड, तो वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सपोज हो जाता है, यानी कि वहां पे वो सब्जेक्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। और नोजल लगाने का फायदा क्या है, आप डाया मींस डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि आपका क्रॉस सेक्शन एरिया जो स्मॉल ए से मैं डिनोट कर रहा हूं यहां पे लिखा हुआ है वो डिक्रीज कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो ये निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ जेट। अब हमने यहां पर क्या लिया हुआ है, क्योंकि आज का टॉपिक लिखा हुआ है दिस इज द प्लेट, वो मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी स्मॉल यू। ओके, आपका खुद का जो जेट है ये ट्रैवल कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ जेट, यानी कि ये जेट की खुद की जो वेलोसिटी है दैट इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी, खुद की वेलोसिटी। ठीक है, इसका डाया डी है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है स्मॉल ए है। ओके, ये हमारी जो प्लेट है ये भी मूव कर रही है और ये इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, अब देखिए जेट भी ट्रैवल कर रहा है विद अ वेलोसिटी वी, आपकी प्लेट भी ट्रैवल कर रही है विद अ वेलोसिटी स्मॉल यू। अब याद रखिएगा ये जो कैपिटल वी है इसकी वैल्यू ज्यादा है, ये स्मॉल यू है इसकी वैल्यू कम है। अब जैसे कि आपके दोनों ही ट्रैवल कर रहे हैं, एक तो जेट भी विद अ वेलोसिटी वी ट्रैवल कर रहा है और ये प्लेट जो है स्मॉल यू से ट्रैवल कर रही है, तो ये जो जेट है ये स्ट्राइक करेगा, ठीक है, स्ट्राइक करेगा आपकी इस मूविंग प्लेट को विद अ रिलेटिव वेलोसिटी दैट इज वी माइनस यू। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्लूइड यहां से टकराने के बाद ऊपर चले जाता है और ये डिवाइड हो रहा है यानी कि दो पार्ट में। ठीक है, बट हमारा जेट स्ट्राइक करेगा विद अ रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा हुआ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू प्लेट। ठीक है, अब ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट जरा देख लेते हैं। ठीक है, हम ये भी मानते हैं कि टकराने के बाद जो लॉस ऑफ एनर्जी होती है कि हमारी जो प्लेट की जो सरफेस है, मूविंग प्लेट, मूविंग इंक्लाइंड प्लेट की जो सरफेस है वो स्मूथ होने की वजह से कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होती। तो जेट जिस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा था, कौन सी ट्रैवल कर रहा था, किस वेलोसिटी से, वो कर रहा था रिलेटिव वेलोसिटी से, यानी कि स्ट्राइक करने वाला है, एक्चुअली खुद की वेलोसिटी इसकी वी है, मगर जिस वेलोसिटी से ये मूविंग जेट, ठीक है, स्ट्राइक करेगा हमारी इस मूविंग प्लेट को, इंक्लाइंड मूविंग प्लेट को। ठीक है, तो जो एंट्री की वेलोसिटी थी, जो स्ट्राइक करने की वेलोसिटी थी, वही ऊपर जाने की वेलोसिटी भी वही रहेगी, नीचे जाने की भी वेलोसिटी वही रहेगी, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ही जेट की ऊपर भी रहेगी नीचे भी रहेगी अगर लॉस नहीं होता, अगर हमारी प्लेट स्मूथ है। ठीक है, अब हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, सिंपल। अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या बोलती है कि अगर सपोज दो ट्रेन है ए एंड बी, ओके, ये ट्रैवल कर रहा है ए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये ट्रैवल कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, ओके, अब दोनों का डिफरेंस कितना है, 15 माइनस 5 इज योर 10 मीटर पर सेकंड। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि जो बी ट्रेन है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, मगर ए को हम एज अ रेफरेंस ले लेते हैं यानी कि स्टैंडर्ड ले लेते हैं, तब हम ए की जो वेलोसिटी है जीरो मान लेते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं दैट बी जो ट्रेन है वो 10 मीटर पर सेकंड की रिलेटिव वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। तो चलिए अब हम फाइंड आउट करेंगे हमारी फोर्स जो एक्सर्ट की जाती है इस जेट द्वारा, और ये जेट स्ट्राइक करने वाला है इस मूविंग प्लेट को विद अ रिलेटिव वेलोसिटी वी माइनस यू। क्लियर हो गया, ओके, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे हमारी फोर्स, तो ये बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो इसी का यूज करके अब हम क्या निकालेंगे, दैट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट ऑन अ योर इंक्लाइंड मूविंग प्लेट। सो फोर्स कैन बी रिटन इज एक्चुअली नेट फोर्स रहेगी। ठीक है, सो नेट फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, ओके, सो नेट फोर्स कैन बी रिटन इज मास, एक्सेलरेशन कैन बी रिटन इज डीवी बाय डीटी। कई बुकों में ये इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन का भी यूज करते दिखेगा आपको, कि इंपल्स मोमेंटम
यूज करके हम फोर्स निकालेंगे। ओके, अब क्योंकि हमारी प्लेट इंक्लाइंड है तो जो फोर्स एग्जर्ट होने वाली है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होगी। क्लियर हो गया? ओके, मैं काम करता हूं, कहां पे दिखाऊं आपको ये फोर्स? ठीक है, ये इसका सेंट्रल लाइन है अगर हम सपोज ये मानते हैं। ठीक है, तो हमारी जो फोर्स होगी वो कुछ ऐसी एग्जर्ट होगी। ठीक है, सो दिस यू विल सी लाइक दिस, ये जो फोर्स है दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन एफ एम, और ये आपकी प्लेट से हमेशा 90 डिग्री ही बनाएगी। सपोज यहां पर भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। डीवी कैन बी रिटन एज v1 माइनस v2 अपॉन dt। dt ये काम करते हैं, हम लिखते हैं दिस इज योर T2 माइनस T1। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, V1 हमने क्यों लिखा है कि जब हमें फोर्स फाइंड आउट करनी जो एग्जर्ट की जाती है हमारे जेट द्वारा आपकी इंक्लाइंड मूविंग प्लेट पे, तो आपका V1 पहले आएगा और V2 बाद में आएगा। अगर आप V2 रखना चाहते हैं तो दैट मीन्स आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि आप फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं जो एग्जर्ट की जाती है इस मूविंग प्लेट के द्वारा इस जेट के ऊपर, मतलब आपकी मूविंग प्लेट कितना फोर्स एग्जर्ट करती है इस जेट के ऊपर। तो V2 फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट टर्म में आ जाएगा और V1 आपका दूसरे टर्म में आ जाएगा, यानी कि V1 दूसरे पोजीशन पे आ जाएगा, V2 फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। फिलहाल हमें फोर्स एग्जर्ट करवानी है, कितनी फोर्स एग्जर्ट की जाती है आपके जेड द्वारा मूविंग प्लेट के ऊपर, तो ये V1 सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, दिस इज T2 माइनस T1, ये होता है हमारा टाइम टेकन, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। अगर आप m को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा mv1 माइनस mv2, तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू v क्या होता है मोमेंटम, तो ये इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम होगा, तो दैट कैन बी रिटन एज चेंज इन मोमेंटम। और जब चेंज इन मोमेंटम हम टाइम से रिलेट कर देते हैं तो हम फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आई होप आपको समझा होगा, मगर मैं इतना डीप में अंदर नहीं जाने वाला हूं। तो हम ये बोल रहे थे कि जो नेट फोर्स इस जेट द्वारा जो पड़ेगी इस मूविंग इंक्लाइन प्लेट के ऊपर, दैट इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, ये T2 माइनस T1 को मैं इस मास के नीचे ले लेता हूं, यानी कि लिख देता हूं टाइम टेकन। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज v1। अब एक काम करूं, मैं यहां पे n डायरेक्शन ले लूंगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है, क्योंकि हम इंक्लाइंड प्लेट होने की वजह से जो फोर्स होगी आपके जेट की वो आपकी 90 डिग्री पे एक्ट करने वाली है, तो दिस इज द डायरेक्शन n डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं v2n। क्लियर हो गया? ओके, अब मास अपॉन टाइम टेकन। अब ये जो मास mass upon time taken is nothing but mass flow rate. ये क्या हो जाएगा? This is the mass flow rate. ये किसका होगा? आपके jet का, of jet striking with relative velocity. ठीक है, relative velocity क्या है? V minus u. और यहाँ मैं लिखता हूँ v1n minus v2n. I hope आपको ये पूरा clear हो रहा होगा। ठीक है, फिलहाल मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है, जितना हमने लिखा हुआ, ताकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस अवेलेबल हो जाए। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे? देखिए, आपका जेट स्ट्राइक करने वाला है इस मूविंग इंक्लाइंड प्लेट को। देखिए, ये जो प्लेट है एट एन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल या विद रिस्पेक्ट टू जेट। ठीक है, ओके, तो ये लिखा जा सकता है। अभी देखिए, मास फ्लो रेट जो है जेट का, जो स्ट्राइक करने वाला है या फिर स्ट्राइक उसने स्ट्राइक किया है विद रिलेटिव वेलोसिटी, उसका फ्लो रेट क्या होगा, मास फ्लो रेट क्या होगा? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मास फ्लो रेट की जो यूनिट होती है, दिस इज केजी पर सेकंड लिख देता हूं। ओके, दिस इज द चेंज इन इनिशियल वेलोसिटी इन डायरेक्शन एन, मींस दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी इन डायरेक्शन एन एंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी इन डायरेक्शन एन। अब आपको बता दूं कि टकराने के बाद एन डायरेक्शन में तो फ्लूइड आगे नहीं बढ़ने वाला है, तो वो तो जीरो ही होने वाला है। तो एक काम करता हूं, ये v2n जीरो ही होगा, ठीक है, एन डायरेक्शन में। तो एक काम करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो यही यूनिट हमें यहां पे लानी है, तो इसको मैं यहां लिख लेता हूं, केजी पर सेकंड इनटू मीटर पर सेकंड। लेट मी चेक एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। या तो केजी पर सेकंड यानी कि मास अपॉन सेकंड लेके आना है, तो मैं टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा, रो, रो की यूनिट अगर आप देखेंगे तो दिस इज केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ओके, अब मेरे को पर सेकंड चाहिए, मगर पहले मीटर क्यूब को हटाना पड़ेगा नीचे से, तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीटर क्यूब पर सेकंड से। अगर आप थोड़ा गौर करेंगे किसकी यूनिट है, दिस इज किसकी यूनिट है, दिस इज द फ्लो रेट डिस्चार्ज, तो मैं क्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, हो गया, एंड फाइनली दिस इज, ये हो गया हमारा। अब देखिए, मीटर क्यूब गेट कैंसिल, केजी पर सेकंड आ गया। अब ये मीटर पर सेकंड लाने के लिए क्या लूंगा, दिस इज v1n। अब मैं बता चुका हूं कि n डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में जब फ्लूइड टकराएगा, ठीक है, जब फ्लूइड टकराएगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में जीरो होगी, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पाएगा इस डायरेक्शन में।
ओके क्योंकि फ्लूइड इधर जा रहा है डायरेक्ट नीचे जा रहा है, सो दिस विल बिकम जीरो, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस जीरो। ठीक है, फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूं। ओके आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो अब हम देखेंगे हमारा कुछ कंसिडरेशन होने वाला है इसमें। ओके सो फोर्स कैन बी रिटन एज रो, रो आ गया। ओके अब आपको मालूम है क्यू कैन बी रिटन एज ए इंटू वी। अब ये इस जेट का फ्लो रेट है जो स्ट्राइक करेगा इस इंक्लाइंड मूविंग इंक्लाइंड प्लेट को विद एन एट जो ये मूविंग इंक्लाइंड प्लेट है एट एन एंगल थीटा विद अ रिलेटिव वेलोसिटी वी माइनस यू। ओके तो मैं यहां लिख दूं स्मॉल ए और इसकी खुद की जो रिलेटिव वेलोसिटी जिसके साथ वो स्ट्राइक करने वाला जेट दैट इज योर वी माइनस यू। क्लियर हो गया। अब बारी आती है हमारी वी वन एन की। एक्चुअली ये इनिशियल वेलोसिटी है ठीक है आपकी एन डायरेक्शन में जिसके साथ वो हिट करने वाला है स्ट्राइक करने वाला है इस मूविंग प्लेट को। तो एक काम करूंगा अब हम इसे समझने के लिए काम करते हैं। ठीक है अब मैं क्या करता हूं देखिए ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ठीक है। ओके ये है हमारी इंक्लाइंड प्लेट ये जो मैंने इस डायरेक्शन में बनाया है ठीक है। ओके देन हमारा जो ये है जिस डायरेक्शन में हमारी फोर्स एक्ट करने वाली है ठीक है ये एन डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है हमारी एन डायरेक्शन। ओके अब आपको मालूम है कि जिस डायरेक्शन में हमारी फोर्स एक्ट करने वाली है वो बनाने वाली है 90 डिग्री ही बनाएगी डेफिनेटली वो ठीक है। ओके अब ये जो प्लेट है हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में तो थीटा है। ओके अब थोड़ा सा गौर से देखिएगा अगर ये 90 डिग्री है तो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। क्या है ये भी 90 डिग्री ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट करने वाली है उसी डायरेक्शन में आपका ये वेलोसिटी का कंपोनेंट भी एक्ट करने वाला है यानी कि कौन सा दिस इज योर वी वन एन जिसकी मैं बात कर रहा था। देखिए दिस इज द एन डायरेक्शन ये वी वन एन ये कंपोनेंट है आपकी मेन वेलोसिटी का। मेन वेलोसिटी कौन सी है जेट की वो वाली रिलेटिव वेलोसिटी जिसके साथ आपका ये जेट स्ट्राइक करने वाला है इस इंक्लाइंड प्लेट को जो एंगल थीटा पे बनी हुई है जो मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी स्मॉल यू ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री है तो बाकी बचा हुआ भी 90 डिग्री होगा। अब आपको मालूम है कि ये एंगल तो थीटा है तो डेफिनेटली आपका ये वाला एंगल कितना होगा। अब 90 में से इतना एंगल माइनस कर दीजिए कहने का मतलब है 90 में से थीटा माइनस कीजिए तो ये एंगल बचेगा दिस इज योर दिस तो दिस इज 90 माइनस थीटा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है। ओके ये तो क्लियर हो गया। तो कहने का मेरा क्या मतलब था ये जो वेलोसिटी है ये एन डायरेक्शन में है ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये कंपोनेंट है आपकी मेन वेलोसिटी का। मेन वेलोसिटी क्या है v माइनस यू तो इसी v1 n को हम रिप्लेस करेंगे हमारी मेन वेलोसिटी से ठीक है। एक काम करते हैं इसके लिए हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा ये ठीक है। ओके अब इसे ध्यान से दिखेगा मान लेते हैं ये ओ है दिस इज ये एन डायरेक्शन थी ये वाली हमारी एन डायरेक्शन है ठीक है। ऐसे कर देता हूं इसको नाम दे देता हूं ए इसको नाम दे देता हूं बी ठीक है। अब हमारे पास क्या रिलेशन है जिस डायरेक्शन ये एक्स डायरेक्शन में ये जो फोर्स है ये एक्चुअली एन डायरेक्शन में है ठीक है क्योंकि ये 90 डिग्री बनाएगी एन डायरेक्शन में ठीक है। ओके तो अब इस डायरेक्शन में देखेंगे जो हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन है हमारी ठीक है एक्स डायरेक्शन में हमारी जो इनिशियल यानी कि जेट जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक करने वाला है वो है वी माइनस यू v माइनस यू ठीक है। अब आपको मालूम है ये क्या बन गया हमारा दिस इज 90 डिग्री व्हाट इज दिस इज 90 डिग्री ये है हमारा 90 डिग्री मतलब कुछ ऐसे लगभग सीधा ही है ये। एक काम करता हूं इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं इसको मैं कुछ ऐसा बनाता हूं ताकि करेक्ट 90 डिग्री है। ओके ये है हमारा 90 डिग्री। अब आपको मालूम है 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है हाइपोटेन्यूज ठीक है। ओके अब 90 ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा के अपोजिट ये है परपेंडिकुलर और ये है हमारा बेस ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा था आपको इस वी वन एन को हम रिप्लेस करेंगे हमारी मेन वेलोसिटी के साथ ठीक है। ये जो कंपोनेंट है हमारी मेन वेलोसिटी वी माइनस यू का ठीक है इससे हम रिप्लेस कर देंगे ठीक है। तो हमारे पास क्या रिलेशन है ये है बेस ये है हाइपोटेन्यूज तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहता है जो बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन देता है तो हमारा है ये कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं यहां पर लिखता हूं इन ट्राइंगल ए ओ बी ठीक है ये मैं थोड़ा सा अलग करता हूं ए ओ बी तो कॉस थीटा लूंगा। अब देखिए एंगल कौन सा है थीटा नहीं है 90 माइनस थीटा तो दिस इज 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ठीक है। सो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है हमारा दिस इज साइन थीटा इक्वल टू बेस बेस क्या है हमारा दिस इज वी वन एन ठीक है इसी को हम रिप्लेस कर देंगे हमारी मेन वेलोसिटी से। हाइपोटेन्यूज क्या है हाइपोटेन्यूज ये है बी ओ ठीक है तो बी यू क्या है हमारा वी माइनस यू। तो हमने क्या किया इस कंपोनेंट को जो नॉर्मल डायरेक्शन में है ठीक है उसको रिप्लेस कर दिया हमारी मेन वेलोसिटी से ये बोल सकते हैं ठीक है या फिर ये बोल सकते हैं दिस इज अ कंपोनेंट ये जो वेलोसिटी है ये कंपोनेंट है आपकी वी माइनस यू का नॉर्मल डायरेक्शन में ठीक है।
So therefore V1n can be written as V minus u sine theta. तो अब मैं क्या replace करूंगा, यानी कि V1n से मैं इसको replace कर दूंगा. तो ये जो value है V1n की मैं यहां put करने जा रहा हूं. So therefore this will look V minus u sine theta and this is zero. क्योंकि ये V2 velocity zero होगी, क्योंकि normal direction में टकराने के बाद तो वो n direction में जाने नहीं वाला है fluid आपका, वो पोजीशन चेंज कर रहा है ऊपर या फिर ये थोड़ा नीचे डिवाइड हो रहा है. ठीक है, आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा. फिलहाल मैं ये मिटा देता हूं. ठीक है, ये हो गया हमारा ये रिलेशन. तो आवर रिलेशन इज रेडी. वापस लिखूंगा देयरफॉर जो फोर्स है इन नॉर्मल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में, यानी कि ये जो फोर्स है नॉर्मल डायरेक्शन में जो 90 डिग्री है, ठीक है, आपकी इस इंक्लाइंड प्लेन के, वो होगा रो ए वी माइनस यू इंटू वी माइनस यू इज नथिंग बट वी माइनस यू होल स्क्वायर दिस इज साइन थीटा. तो ये है हमारी इक्वेशन. तो एक काम करता हूं, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज एफ एन इक्वल टू रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर दिस इज साइन थीटा. आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा. अब ये जो फोर्स है ये नॉर्मल डायरेक्शन में, मगर हमें हमारी फोर्स किस डायरेक्शन में चाहिए, फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूं, क्योंकि इसका काम तो हो गया है. ठीक है, ओके. तो अब ये आ गया, बट अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, ये हमारी इंक्लाइन प्लेट, ये हमारी एक्स डायरेक्शन, ठीक है, ये है हमारी वर्टिकल डायरेक्शन, इसको भी मैं नाम लिख ही देता हूं. ओके, ये है हमारी, इसी डायरेक्शन में आपकी फोर्स एक्ट हो रही थी, दिस इज द फोर्स. ओके, एक काम करता हूं, इस फोर्स को मैं थोड़ा सा आगे ले लेता हूं. एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स में, ठीक है. अब ये था हमारा, जैसे कि बताया था ये थीटा था, ये था हमारा 90 माइनस थीटा, अभी अभी हमने निकाला था 90 माइनस थीटा. ओके, अब ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो डेफिनेटली ये कितना होगा हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल, दिस इज ऑल्सो 90 माइनस थीटा. ठीक है, अब ये था हमारा, ये थी हमारी नॉर्मल डायरेक्शन जिसको मैंने पूरा ब्लैक कलर में लिया हुआ है. ठीक है, दिस इज एफ एन. तो इसी डायरेक्शन में, कहने का मतलब है कि इसी फोर्स को मैंने जस्ट आगे ले लिया है, क्योंकि उसका इफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता अगर आपकी फोर्स की फोर्स को आप आगे पीछे लेते हैं. ठीक है, उसी लाइन लाइन ऑफ एक्शन आपका सेम होना चाहिए उसी फोर्स का. ठीक है, अब आपका ये कुछ ये वाली फोर्स टेढ़ी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, यानी कि ये एंगल बना रही है 90 माइनस थीटा. तो ये दो, ये जो फोर्स है ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगी, जैसा कि आपको मालूम है. ठीक है, इधर जाने वाला जो एक्स डायरेक्शन में जाने वाला है वो कॉस थीटा रहता है, और नीचे जाने वाला दैट इज योर साइन थीटा. ठीक है, सो जो एक्स डायरेक्शन में आपकी फोर्स होगी दैट विल बी व्हाट, अब मैं बोल चुका हूं कि जो एफ एन है ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स 90 माइनस थीटा का एंगल बना रहा है. तो कहने का मतलब है अगर कोई फोर्स स्टेडी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस तो वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है, एक एक्स डायरेक्शन में, एक नीचे वाई डायरेक्शन में. ठीक है, सो एफ एक्स डायरेक्शन में, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स होगी वो होगी क्या होगी, दिस इज एफ एन कॉस 90 माइनस थीटा. तो हो गया. ठीक है, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू एफ एन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा. सो मैं यहां पे क्या करूंगा, एफ एन की वैल्यू पुट करूंगा. एफ एन की वैल्यू क्या है, रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर साइन थीटा. यहां से यहां तक तो एफ एन हो गया, अब साइन थीटा ऊपर लिखा है, यहां पे लिख देता हूं ये वाला साइन थीटा अभी यहां लिखा है मैंने. सो अगेन मैं लिखूंगा दिस एफ एक्स इक्वल टू रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज योर साइन स्क्वायर थीटा. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. फिलहाल मैं यहां पे लिखता हूं दिस इज एफ एक्स वैल्यू इक्वल टू रो ए वी माइनस दैट इज योर u whole square sine square theta. Let me check here, everything is working fine. So अब मैं इसको मिटा देता हूं. तो finally अब हमें ढूंढना है force in y direction. ठीक है, so ये थी हमारी fx जो हमने अभी ढूंढी थी, ये है हमारी fy. So fy will be क्या होगा. ठीक है, so fy क्या होगी, fy component है इस fn का. ठीक है, so fy will be fn नीचे sine, नीचे जा रहा है इसलिए साइन यूज किया, बट ये एंगल क्या बना रहा है, दिस इज 90 माइनस थीटा. ठीक है, सो देयरफॉर fy इक्वल टू fn sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है. सो देयरफॉर fy इक्वल टू fn की वैल्यू क्या है, सबसे ऊपर दी हुई है, दिस इज रो ए v माइनस u होल स्क्वायर sin थीटा. ये तो हो गया हमारी fn की वैल्यू. अब cos थीटा मैं यहां पे लिख देता हूं. सो दिस इज योर फोर्स इन y डायरेक्शन. सो fy इक्वल टू रो ए v minus u whole square this is sin theta cos theta. I hope आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा. अब हमें ढूंढना है what will be the work done by the jet, जो जेट
ट्रेवल कर रहा है विद अ रिलेटिव वेलोसिटी, और स्ट्राइक करेगा मतलब रिलेटिव वेलोसिटी के साथ मूविंग प्लेट को, ठीक है, जो इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा पे, ठीक है। सो वर्क डन क्या होगा? सो वर्क डन हम ढूंढेंगे वर्क डन पर सेकेंड जो जेट द्वारा दिया किया गया है प्लेट के ऊपर, वर्क डन बाय जेट ऑन अ प्लेट, ऑन अ प्लेट, बट हम ढूंढने वाले हैं पर सेकेंड। अब वर्क डन पर सेकेंड क्या होता है, देखिए इसकी यूनिट, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और इसकी सेकेंड, ठीक है। अब जूल को लिखा जा सकता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड, और थोड़ा ध्यान से रखिए, ये न्यूटन यूनिट है फोर्स की, मीटर पर सेकेंड जो है यूनिट है वेलोसिटी की, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, वर्क डन पर सेकेंड क्या बन जाता है, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, सो दिस विल बी फोर्स इन एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाय आपकी जो प्लेट जो वेलोसिटी से चल रही होगी, क्या वेलोसिटी से चल रही है, यू वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि दिया हुआ है दिस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी यू। सो वर्क डन पर सेकेंड, या फिर बोल सकते हैं कितनी पावर इस्तेमाल की गई आपके जेट द्वारा प्लेट के ऊपर, ठीक है, द पावर यूटिलाइज बाय जेट ऑन अ प्लेट, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, ये लिखी हुई है, ये वाली यूज करनी है, ठीक है। सो दिस रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू यू। सो अगर आप इसकी यूनिट देखेंगे तो जूल पर सेकेंड यानी कि वैट, तो इसकी यूनिट आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट, और वैट भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसी एजुकेशन वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज डू राइट अ कमेंट, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेके आने की। तब तक के लिए थम्स अप तो बनता ही है, तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी एजुकेशन वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।